हाय गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल वाईसीटी बुक्स। यूथ कंप्यूटर टाइम्स के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। आज हम यूपी टेट सी टेट कैप्सूल प्राइमरी लेवल की बुक लेकर आए हैं, जिसमें आपको बाल विकास, दक्षाशास्त्र, पर्यावरण अध्ययन, गणित, हिंदी, संस्कृत और अंग्रेजी, ये जो हमारी पुरानी बुक्स थी उसको ही अपडेट करके न्यू बुक्स लिया गया है। कुछ इसमें नए डाटा, कुछ नए इसमें करंट जो चीज़ें अपडेट है वो सारी चीज़ें इसमें हम आपको बताने वाले हैं। कुछ चीज़ें अपडेट होकर इसमें आई है, जो लेटेस्ट बुक लेना चाहते हैं वो यूपी टेट सी टेट सुपर टेट के लिए ये बुक परचेज कर सकते हैं प्राइमरी लेवल के लिए। तो आइए वीडियो शुरू करते हैं। चैनल पर नए हैं तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ये यूथ कंप्यूटर टाइम्स का ऑफिशियल यूट्यूब चैनल है, इस पे यूथ की तरफ से जितने भी बुक्स आती हैं सारे अपडेट की जाती हैं, जितने भी आपको एग्जाम्स हैं वो सारी चीज़ें अपडेट की जाती हैं। आप हमें फॉलो कर सकते हैं हमारे टेलीग्राम चैनल और फेसबुक पेज पे, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। अगर इस बुक की बात करते हैं तो इस बुक के प्रिंट प्राइस की बात करते हैं 395 इसकी प्रिंट प्राइस रहने वाली है, और नंबर ऑफ पेजेस की बात करते हैं तो 480 पेजेस की ये बुक रहने वाली है। सब्जेक्ट मैंने आपको बता दिया, बाल विकास, पर्यावरण अध्ययन, गणित, हिंदी, संस्कृत, अंग्रेजी, ये सारे सब्जेक्ट इसमें आपको दिए गए हैं, क्योंकि रिविजन के लिए बनाई गई है। इसके अलावा हमारे पास सहायक अध्यापक की भी पूरा कॉम्बो अवेलेबल होता है, जिसमें आपको फर्स्ट वॉल्यूम है जिसमें बाल मनोविज्ञान, शिक्षण कौशल, जीवन कौशल एवं अभिवृत्ति है। सेकंड में आपको पर्यावरण एवं सामाजिक अध्ययन मिलेगा। थर्ड वैल्यू में आपका विज्ञान एवं सूचना तकनीक है। चौथे में आपको गणित और तार्किक ज्ञान, ये चार वैल्यू में। पांचवे में तीन भाग आते हैं, हिंदी, अंग्रेजी, संस्कृत आप ले सकते हैं। इसके अलावा सहायक अध्यापक का शॉर्ट पेपर है, प्रैक्टिस सेट आता है। तो सुपर टेट का प्राइमरी टीचर का पूरा आपका यहाँ पे कॉम्बो पैक ये अवेलेबल होता है। यूपी टेट सी टेट की और भी बुक्स हमारे पास अवेलेबल हैं, बहुत सारे हमारे पास परीक्षा ज्ञान कोश हैं, सब्जेक्ट वाइज हैं। इसके अलावा प्रश्न कोश अवेलेबल हैं, वो भी मिल जाएंगे, और शॉर्ट पेपर्स और प्रैक्टिस सेट भी अवेलेबल आपको मिल जाएंगे। कुछ बुलेट्स हैं, कुछ कैप्सूल्स हैं स्टेट वाइज, चैप्टर वाइज, वो भी आपको यहाँ पे अवेलेबल मिल जाना है। अधिक जानकारी के लिए आप हमारी वेबसाइट vicitybooks.com विजिट कर सकते हैं, नहीं तो हमारे चैनल पर सारे बुक्स का रिव्यू भी मिलता रहता है, वहाँ पर भी आप देख सकते हैं। अगर इस बुक की बात करते हैं तो इसमें सबसे पहले यहाँ पे दिया गया है आपका टेट का सिलेबस, वो भी मैं आपको बता दूंगा। उसके बाद आपका फर्स्ट चैप्टर है पर्यावरण, इन्वायरमेंट, इन्वायरमेंट एंड इकोलॉजी से सब रिलेटेड जितने भी चीजें हैं वहाँ पे अपडेट की गई। फिर उसके बाद बाल विकास, बाल विकास में अधिगम वगैरह यहाँ पे दिया गया है। उसके बाद अधिगम या सीखना यहाँ पे खा में है, गा में शिक्षण है, घा में आपका आकलन या मूल्यांकन है, समावेशी शिक्षा एवं निर्देशन एवं परामर्श है, चा में अधिगम एवं अध्यापक अध्यापन है। इसके बाद आपका मैथमेटिक्स यानी गणित स्टार्ट होता है, गणित में आपको सारे सब्जेक्ट यहाँ पे अवेलेबल टॉपिक वाइज मिल जाएंगे। भाषा में हिंदी भाषा हो गई, शिक्षण विधि है हिंदी। इसके बाद संस्कृत, संस्कृत के बाद यहाँ पे खंड खा शिक्षण शारीरिक। इसके बाद आपका व्याकरण मिल जाएगा और अंग्रेजी यहाँ पे मिलने वाला है। तो ये डिटेल्स यहाँ पे आपके रहने वाली है, जो आपको इस कैप्सूल में आपको दिया गया है, इसे आप पढ़ सकते हैं। सिलेबस है 30 नंबर का आपका, बाल विकास शिक्षण विधि होता है, भाषा फर्स्ट लैंग्वेज 30 नंबर की, सेकंड लैंग्वेज 30 नंबर की, गणित 30 नंबर का, पर्यावरण अध्ययन 30 नंबर का। टोटल 150 क्वेश्चन होते हैं, 150 नंबर के, परीक्षा की अवधि 2.5 घंटे की होती है। सिलेबस यहाँ पे आपको दिया गया है, 33 नंबर की कहाँ से किस टॉपिक से पूछे जाएंगे वो डिटेल यहाँ पे आपको अवेलेबल मिल जाएगी। अब स्टार्ट करते हैं यहाँ पे पर्यावरण पारिस्थितिकी तंत्र से, इन्वायरमेंट एंड इकोलॉजी से। तो जो क्वेश्चन प्रीवियस ईयर पूछे गए वो आपको यहाँ पे दिया गया है। इकोसिस्टम का शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था, एजी टांसलेन ने किया था। इकोलॉजी का अर्नेस्ट हाइकल ने किया था। डीप इकोलॉजी का जनक है अर्नेस्ट नीस। भारतीय इकोलॉजी के जनक है प्रोफेसर रामदेव मिश्रा। उसके अलावा यहाँ पे आपको डिटेल दे दिया गया है, ये क्वेश्चन का पूछा गया तो 1935 में, 1869 में, इसके अलावा सॉरी यह टांसलेन 1935 में इन्होंने प्रयोग किया था, अर्नेस्ट हाइकल ने 1869 में किया था। अब यहाँ पे प्रीवियस ईयर जो क्वेश्चन पूछे गए हैं, टेट 2011 में पूछा गया था पर्यावरण के जैविक घटक कौन है, पेड़ पौधे एवं जीव जंतु, यूटेट उत्तराखंड टेट में पूछा गया था। इसके अलावा यूपी टेट में 2007 में पारिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा का सर्वोत्तम स्रोत कौन सा है, सौर ऊर्जा। हरियाणा टेट, बिहार टेट में भी पूछा गया था। उत्पादक हरे पौधे सवाल होते हैं उत्तराखंड टेट में, उपभोक्ता जीव जंतु मनुष्य होते हैं, घटक अपमार्जक जीवाणु कवक होते हैं उत्तराखंड में आपको पूछा गया था। तो ऐसे ही जो टॉपिक्स है उसके साथ साथ वन लाइनर के साथ साथ आपको एग्जाम की भी डिटेल मिल जाएगी, ये क्वेश्चन किस एग्जाम में पूछा गया था। जैसे ये क्वेश्चन है आपका विश्व पर्यावरण दिवस 2018 की थीम क्या थी, तो बीट प्लास्टिक प्रदूषण, ये हरियाणा टेट 2018 के एग्जाम में पूछा गया था। इसके अलावा 2019 की थीम है बीट एयर पॉल्यूशन टाइम फॉर नेचर 2020 का है, तो ये इम्पोर्टेंट है। विश्व पर्यावरण दिवस 2020 का जो थीम है टाइम फॉर नेचर, ये पूछ सकता है, इसको आप याद रखिएगा। फिगर्स हर जगह आपको दे दिए गए हैं, जहां पे जरूरत पड़े पूरे क्लियर फिगर्स दिखाए गए हैं, वहां से आप आसानी से रिविजन कर सकते हैं।
B1 को क्या कहते हैं, B12 को क्या कहते हैं, C को क्या कहते हैं, DEKA सारा चीज यहाँ पे दिया गया है फिगर से, जिसे आसानी से आप याद कर लेंगे क्योंकि फिगर से क्या होता है डायरेक्टली याद हो जाता है। फिर यहाँ पे यातायात एवं संचार है, उसका यहाँ पे डिटेल दिया गया है। प्रमुख बंदरगाह, राष्ट्रीय जलमार्ग कहाँ से है, प्रयागराज से लेकर हल्दिया तक है पहला राष्ट्रीय जलमार्ग। दूसरा है आपका धुबरी से सादिया तक, तो यहाँ पे आपको सारे काकीनाड से लेकर वाहिका तक, कोट्टेपुरम से लेकर कोल्लम तक राष्ट्रीय जलमार्ग 3, तो ये यहाँ पे दिया गया है। ये क्या है आपका स्वर्णिम चतुर्भुज, श्रीनगर से स्टार्ट होता है आपका, यहाँ पर जाता है फिर पोरबंदर से स्टार्ट होकर यहाँ आपका सिलचर आसाम तक गया है, पूर्व पश्चिम गलियारा है, वो डिटेल आपको यहाँ पे मिल जाएगी। स्वर्णिम चतुर्भुज यहाँ दिल्ली से स्टार्ट होता है मुंबई, मुंबई से फिर आपका बेंगलुरु होते हुए चेन्नई, फिर यहाँ पे कोलकाता, फिर वाराणसी प्रयागराज होते हुए फिर आपका दिल्ली में वापस चला जाता है। तो ये आपका स्वर्णिम चतुर्भुज हो गया, वो दिया गया आपको यहाँ पे मिल जाएगा। इसके बाद खेल एवं कार्य सब सारा डिटेल यहाँ पे, ये भी फिगर्स वाइज दे दिए गए हैं आपको याद करने के लिए रिविजन के लिए। भाग प्रमुख पर्वत शिखर कौन से कहाँ पे है वो डिटेल यहाँ पे अवेलेबल मिल जाएगी। मध्य प्रदेश के है, यूपी की नदियां कौन कौन सी है, मध्य प्रदेश उद्योग हो गए, प्रमुख जनजातियां हो गई, नदियों किनारे कोटा है, चंबल नदी किनारे पाली है, बांडी, हनुमानगढ़, घग्गर, भीलवाड़ा, कोठारी, सूरतगढ़, घग्गर, विजयनगर, खारी, अनूपगढ़, घग्गर, नदियों के किनारे राजस्थान के प्रमुख नगर, राजस्थान के प्रमुख जलप्रपात चुलिया जलप्रपात, चंबल नदी, भीमताल जलप्रपात, मांगली नदी, अरावली के प्रमुख दर्रे हल्दी घाटी, राजसमंद कामली घाट, राजसमंद देसूरी किनाल, पाली जिलवा किनाल, पाली हथियागुड़ा, राजसमंद गोरम घाट, राजसमंद रेगिस्तान का जहाज ऊट है, गुलाबी शहर जयपुर, अंडे की टोकरी अजमेर, राष्ट्रीय प्रतीक। तो ये स्टेट वाइज जो आपका पूछा जाता है क्वेश्चन वो आपको यहाँ पे दे दिए गए। फिर परीक्षा उपयोगी महत्वपूर्ण प्रश्न तथ्य यहाँ पे दिए गए हैं। इसके बाद आपका यहाँ पे बाल केंद्रित प्रगतिशील शिक्षा स्टार्ट होता है, वो यहाँ पे अवेलेबल आपको मिल जाएगा डिटेल से। ये आपको बुद्धि का कारक सिद्धांत फिगर के साथ डिटेल के साथ समझाया गया है, यहाँ पे आप देख सकते हैं बुद्धि लब्धि यहाँ पे दिया गया। भाषा एवं विचार है, यहाँ भी आपको बनाकर तालिका बनाकर दे दी गई याद करने के लिए। भाषा को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से कारक है यहाँ पे दिया गया आपका, सामाजिक आर्थिक स्तर, बहुभाषिकता, जन्म क्रम, बुद्धि, बहुजन्म, संगी साथी, स्वास्थ्य, यौन मिश्रता, परिवार का आकार, अभिभावक, प्रेरणा। तो ये डिटेल ये आपको फिगर के साथ दिया गया है जिससे आप आसानी से याद कर सकते हैं। तो काफी डिटेल आपको दिया गया है, हर जगह आपको फिगर्स दे दिए गए हैं, एकदम कैप्सूल के रूप में आपको दे दिया गया है कि एक बार दो बार पढ़िए, पूरा आसानी से आप रिवीजन कर लीजिए और एग्जाम क्रैक करके चले आइए। यहाँ संस्कृत है, संस्कृत बाद यहाँ पे इंग्लिश स्टार्ट हुआ है, इंग्लिश में पूरे डिटेल के साथ आपको यहाँ पे मिल जाएगा। कंजक्शन, इंट्रोडक्शन, पास्ट टेंस, फ्यूचर टेंस, एंटोनिम्स, सिनोनिम्स यहाँ पे दिया गया है। वर्ड वर्ड सब्स्टिट्यूशन है, इसके अलावा वर्ड फॉर्मेशन है, फ्रेजल वर्ब्स है यहाँ पे दिया गया है, कॉमनली मिसस्पेल्ड वर्ड्स जो पूछे जाते हैं यूपी टेट में 2016 पूछा गया, तो 2011-2013 यूपी टेट प्राइमरी लेवल में पूछा गया, तो वो आपको यहाँ पे मिल जाएगा। ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सेंटेंसेस दे दिया गया है, वो आपको मिल जाएगा। लैंग्वेज स्किल्स ये आपको यहाँ पे दी गई है, डिटेल आपको मिलने वाली है। अगर आप टीजीटी पीजीटी की तैयारी कर रहे हैं तो उसके लिए भी बुक्स अवेलेबल है, परीक्षा ज्ञान कौन सा, राजनीति विज्ञान, इतिहास, समाजशास्त्र, अर्थशास्त्र। इसके अलावा जब शॉर्ट पेपर है, प्रैक्टिस बुक रहने वाली है, परीक्षा ज्ञान कौन की, जीव विज्ञान, इतिहास, नागरिक शास्त्र, विज्ञान, अर्थशास्त्र, हिंदी, इंग्लिश, भूगोल, संस्कृत, नागरिक शास्त्र। चैप्टर वाइज शॉर्ट पेपर है, इतिहास के हैं, गणित के हैं, वर्ड कॉमर्स है, जूलॉजी, बॉटनी, आर्ट, होम साइंस, फिजिकल एजुकेशन, फिजिक्स, केमिस्ट्री, ये आपके चैप्टर वाइज भी हैं। और आपका अध्याय सॉल्ट पेपर है, प्रैक्टिस बुक है, परीक्षा ज्ञान कोर्स है, वो सारी चीजें यहाँ पे अवेलेबल आपको मिल जाएगी। इसका मैंने आपको बता ही दिया। अन्य बुक की जानकारी के लिए आप हमारी वेबसाइट ycitybooks.com पर विजिट कर सकते हैं। वीडियो कैसा लगा कमेंट करके बताइएगा, कमेंट्स का हमें इंतजार रहता है। थैंक यू गाइस।